दोस्तों, आप सबने तो सैमसंग और मोटोरोला का फोल्डिंग फ़ोन तो देखा ही होगा। तो इसके बाद एलजी विंग्स का पंख वाला फ़ोन ही तो आप सबने देखा है। तो दोस्तों, ऐसी स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो फ्यूचरिस्टिक फ़ोन है। तो दोस्तों, ओप्पो ने पहला ऐसा रोलेबल स्मार्टफोन बाज़ार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, पहली बार अगर हमारे इस चैनल पर आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, अगर बात करूँ ओप्पो फाइंड एक्स 2021 की, तो इसमें स्मार्टफोन एक कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन है। तो दोस्तों, देखा जाए अगर इस स्मार्टफोन की, तो एक पावर बटन के अलावा इस स्मार्टफोन में वॉल्यूम बटन और सामने वाला कैमरा नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन अगर कॉन्सेप्ट फोन है तो इसलिए तो इससे पता चलता है तो ओप्पो ने काफ़ी इनोवेशन करने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस स्मार्टफोन की तो डिस्प्ले की तो राइट साइड में एक पावर बटन दिया है। इस स्मार्टफोन में अगर ऊपर की तरफ स्वाइप अप करेंगे तो या डबल टैप इस पावर बटन के अंदर डबल टैप करेंगे तो देखा जाए स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली रोल स्क्रोलेबल होके बड़ा हो जाएगा और स्वाइप डाउन या डबल टैप करोगे तो पहला नॉर्मल फोन बन जाएगा। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में बड़े स्क्रीन होने का क्या फ़ायदा, आप खुद ही देख लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक करना मत भूलना, और पहली बार हमारी इस चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कॉन्सेप्ट के साथ आता है दोस्तों, ओप्पो का जो स्मार्टफोन है जो रोल होता है, तो इस स्मार्टफोन में 2-in-1 प्लेट है to support the screen and stop it from collapsing inward. When the display is retracted, the two support substrates come closer together to form a single surface. And when it is unrolled, one substrate slides out to support the display. The left and right substrates support unrolled display with zero segment gap, keeping it smooth. The increase in the overall thickness of the display affects the degree to which it can bend. To tackle this challenge, Oppo is using its proprietary WarpTrack high-strength screen laminate, which is built using very high-strength steel as the main material. At its thinnest, the laminate is only 0.1 millimeter thick. Together with the linear patterns etched on the surface, the WarpTrack laminate greatly increases the resilience of the display. As it bends, phone एक बड़े डिस्प्ले के साथ आता है जो OLED कैपेसिटी टच स्क्रीन के साथ 6.7 इंच से 7.4 इंच तक फैलाता है। डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम Android 10.0 प्लस कलर OS 7.2 है। स्मार्टफोन में MediaTek 6853V Dimensity 720 5G ऑक्टाकोर प्रोसेसर द्वारा, जबकि GPU Mali G57MC3 है। दोस्तों, स्मार्टफोन में लाइलॉन्ग 5000mAh बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों, इस फोन के अंदर
एक चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिलता है 125 वाट का। तो दोस्तों ये जो एडाप्टर चार्जिंग एडाप्टर है 0 to 120 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। तो ओप्पो X2021 कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम में बताना है। और दोस्तों वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना है, और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना।